हेलो भाइयों, कैसे हो? आज आप सबके लिए एक नया ब्रांड भाइयों, एक नई विस्की रेड डियर भाइयों, आज आपके लिए एक नया ब्रांड रेड डियर लेके आए हैं भाइयों। तो ये शायद आपने भी शायद पहली बार नाम सुना होगा, और मैंने भी इसको पहली बार देखा, पहली बार परचेज़ किया, और पहली बार ही शायद इसका रिव्यू कोई लेके आया यूट्यूब पे। मेरे को इसकी नॉलेज नहीं है, अगर मेरे किसी भाई ने इसका रिव्यू पहले देखा है तो वो ज़रूर कमेंट में बताएं, बट मैंने कभी इसका रिव्यू नहीं देखा। मैंने कभी इसको आज पहली बार इसे ट्राई कर रहे हैं आपके लिए, सबके लिए। तो भाइयों, रेड डियर लग्जरी रिजर्व ग्रेन विस्की, तो भाइयों इसके ऊपर जो मेंशन है लग्जरी रिजर्व ग्रेन विस्की, और उसके बाद ए ब्लेंड ऑफ इम्पोर्टेड स्कॉच एंड प्रीमियम इंडियन माल्ट्स, और बाकी पैकिंग आप देख ही रहे हैं। तो इसके ऊपर कुछ मेंशन है, कलर मोल्टन एम्बर गोल्ड। तो भाइयों, ये रिव्यू इन्होंने पहले ही बॉटल के ऊपर ही कर रखा है, मेरे को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कलर इसका लिखा है मोल्टन एम्बर गोल्ड। तो उसके बाद अरोमा रिच एंड स्मूथ। तो और इसके ऊपर लिखा है भाइयों, टेस्ट इंटेंस मीडियम बॉडीड डिलाइटफुल स्मूथ, और फिनिश क्रिस्प माल्टी लॉन्ग एंड वार्म। तो भाइयों, ये कुछ लिखा है जो मैंने कभी पहले किसी विस्की के ऊपर नहीं पड़ा, तो आज रिव्यू की मेरे को ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है। और 75% प्रूफ, 42.8 इसकी, और ये भाइयों 750 ml की बोतल, आज लुधियाना पंजाब में मैंने ये 700 रुपये की परचेज़ की है भाइयों। इसका दाम लुधियाना पंजाब में 700 रुपये की बोतल है भाइयों, ये फुल बोतल। और भाइयों, इसके ऊपर जो लिखा है कि बोतल से 25 पैक बनेंगे, ये भी मैंने पहली बार देखा। तो कुछ भाई हमारे कुछ पैक मोटे बनाते हैं और कुछ पैक छोटे बनाते हैं, तो उनके ऊपर ये इन्होंने मेंशन किया है कि 25 पैक, और डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, इन्जॉय रिस्पॉन्सिबली। तो ये भी मेरा भी यही मैसेज है भाइयों, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, इन्जॉय रिस्पॉन्सिबली। और भाइयों, इसके ऊपर जो प्राइस मेंशन है 500 591, तो 591 रुपये इसके ऊपर मेंशन है। बाकी ये मोहाली SAS नगर पंजाब मोहाली की बनी हुई है भाइयों, और FSSAI से प्रमाणित, जैसे कि कई विस्कियाँ होती हैं। तो भाइयों, कुल मिला के पैकिंग बढ़िया, पैकिंग में इसको 5 में से 4 नंबर देंगे। तो भाइयों, एक बात बता दूं आपको कि इसकी अनबॉक्सिंग आज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इसकी अनबॉक्सिंग पहले कर चुका हूं, क्योंकि एक शेयर पहले भी शॉर्ट वीडियो डाली है कि रिव्यू कमिंग सून रेड डियर। तो इसको भाई अनबॉक्सिंग हो चुकी है इसकी, तो आज इसकी अनबॉक्सिंग नहीं है, सिर्फ आपके साथ महफिल लगाएंगे और इसका टेस्ट आपको बताएंगे, इसके थोड़ा सा रिव्यू करेंगे इसका। तो भाइयों, इसकी अनबॉक्सिंग नहीं है, बाकी इसकी पैकिंग आपको मैंने दिखा दी। बोतल की शेप एक सिंपल से नॉर्मल सी शेप है। तो भाइयों, पैकिंग बोटलिंग में इसको 5 में से 4 नंबर देते हैं, और उसके बाद ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, वीडियो लंबी ना करते हुए, इसको खोलते हैं और आप सबके साथ पहला पैक। तो भाइयों, आज आप सबके साथ पहला पैक लगाएंगे रेड डियर। तो पहला एक पैक सिप नीट लगाते हैं, तो ये मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करता कि आप नीट ट्राई करें। तो भाइयों, ये सिर्फ आपको टेस्ट के बारे में बताने के लिए हैं, बाकी आप सब लोग कुछ भी जो अपना आप पसंद करते हैं उसे आप मिक्स करके पिएं। और साथ में आज थोड़ा सा नमकीन और पापड़, पापड़ पर भाइयों मैंने सॉस डाली है, तो पापड़ बहुत टेस्टी लगता है सॉस के साथ। तो आज पहला पैक, चीयर्स भाइयों, रेड डियर आप सबके लिए एक नया ब्रांड, चीयर्स। तो भाइयों, थोड़ी सी स्पाइसीनेस लगी है मेरे को, बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा सा
इसका लग्जरी टेस्ट आ रहा है। तो बाकी अभी एक पहला सिप ही लगाया, तो थोड़ा सा पानी डालते हैं, फिर आप सबके साथ और बातें करते हैं। तो भाइयों, पहले तो जो मेरे भाई नए देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे पहले पुराने मेरे भाई मेरे सब्सक्राइबर, तो उनको तो खैर कहने की ज़रूरत नहीं, वो कमेंट करें। और भाइयों, ये आपका चैनल दारूबाज किसी भी नशे को प्रमोट नहीं करता, तो ये किसी भी नशे को प्रमोशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ एक आपके लिए जानकारी के लिए, रिव्यू के लिए है, और आप सबके साथ प्यार के साथ इंजॉयमेंट के लिए, तो जो हम महफिल लगाते हैं आप सबसे बातें करने के लिए। तो ये मेरा चैनल किसी भी तरह के नशे को प्रमोट नहीं करता, और जो मेरे भाई नहीं पीते तो वो अगर नहीं पीना चाहते तो वो कभी ना ट्राई करें, तो जो पीते हैं वो मेरे साथ एंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। भाइयों, आपका प्यार बहुत मिल रहा है मेरे को, और ऐसे ही प्यार मिलता रहे, आपके साथ नए नए ब्रांड की विस्की लाते रहें और नया नया रिव्यू करते रहें। और अब इसमें पानी डाला भाइयों, तो पानी के साथ ट्राई करते हैं। पानी के साथ लाइट लाइट टेस्ट है भाई, वो इसका टेस्ट बिल्कुल भी हैश नहीं है। थोड़ा सा जब नीट पी थी तो थोड़ा सा स्पाइसी ना लगा, पर पानी डाल के स्पाइसीनेस बिल्कुल तो नहीं कह सकते, पर बहुत कम हो गया। तो इजी है पीने में, स्मूथ है, और कलर जैसा कि ऊपर लिखा था, एक और मैं आपको बताऊं, कुछ नया वर्ड था, कलर मोल्टन अम्बर गोल्ड। तो भाई ये मोल्टन अम्बर गोल्ड कलर है, आज मेरे को भी ये कुछ नए वर्ड पहली बार सुनने को मिले हैं। तो ये भाई वो इसका कलर मोल्टन अम्बर गोल्ड है, तो कलर आप देख रहे हैं, तो कलर कुछ मेरे को दूसरी विस्की से कुछ खास नहीं लगा, एक नॉर्मल सा कलर है, और टेस्ट भी इसका नॉर्मल सा लगा मेरे को, कुछ एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल लाइट सा टेस्ट, बिल्कुल स्मूथ, पीने में बिल्कुल भी हैश नहीं। तो भाइयों, आज आप किस ब्रांड के साथ महफिल लगा के बैठे हैं, तो ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और किसी नए ब्रांड के बारे में बताएं, तो जिसका हम रिव्यू लेके आए हैं बहुत जल्द। तो रेड डियर एक नॉर्मल रेंज की विस्की है भाइयों, पैकिंग बॉटलिंग रेट इसमें 5 में से 4 नंबर देते हैं। टेस्ट इसका ठीक ठाक सा है, टेस्ट कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सा लाइट सा टेस्ट है, तो टेस्ट में थोड़ा सा इसको कम ही देंगे, 3.5 नंबर देंगे भाइयों। आप रह गई इसके सुरूर की बात, ये कितना सुरूर करती है, तो भाइयों अभी पहला पैक तो ख़त्म नहीं किया, पहला पैक पहले ख़त्म करते हैं, फिर स्मूथ के बारे में, इसके सुरूर के बारे में आपको बताते हैं। तो भाई आज साथ में पापड़, पापड़ पे सॉस डालिए भाइयों, पापड़ सॉस के साथ बहुत टेस्टी लगता है। ये कभी आप ट्राई करिए, बहुत ही बेहतरीन एक बिस्किट के साथ बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो भाई दूसरा पैक आप सबके नाम, रेड डियर के नाम, और आप तो मेरे डियर है ही, मेरे व्यूवर्स, मेरे चाहने वाले। तो भाई वो दूसरा पैक ज़्यादा टाइम ना लेते हुए
तो भाइयों आखिरकार गोल्ड गोल्ड अभी बाकी है ओलंपिक्स में। हॉकी में तो ब्रॉन्ज मिल ही गया और एक बार फिर पंजाबियों का पूरा दबदबा रहा। आप सबको बता दूं भाइयों, हॉकी की 11 की टीम में 10 पंजाबी हैं। शायद मेरे वीडियो देखने वाले कई भाइयों को यह शायद नहीं पता होगा, तो 11 की टीम में 10 पंजाबी हैं हमारे लड़कियां, जिन्होंने 42 साल के बाद इंडिया को हॉकी में अपना मेडल जिताया। तो आज तो बहुत थी गोल्ड की सिल्वर की, बट ब्रॉन्ज भी 42 साल के बाद कोई मेडल मिलना बहुत बड़ी बात है भाई। तो पंजाब का पंजाबियों का नाम इन्होंने फ़ख्र से ऊंचा कर दिया। तो बाकी उम्मीद रखते हैं ओलंपिक में अभी भी और मेडल आने के चांस हैं। तो आज हॉकी के जीत की खुशी में भी आप सबके साथ चीयर्स भाइयों। तो आपके अपने अपने ब्रांड के बारे में बताइए, आपका आज किस ब्रांड के साथ आप महफिल लगाए बैठे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना भाइयों। पिछले कुछ समय से वीडियो मेरी लेट हो गई, अब कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द नए ब्रांड के साथ जल्द से जल्द वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। और इस बार कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लेट ना हो। और मेरे कई व्यूवर्स मेरे को मैसेज कर रहे थे कि वीडियो क्यों लेट कर रहे हो भाई, क्यों लेट कर रहे हो। तो उसके पीछे भी कुछ पर्सनल रीज़न थे भाइयों। तो कोशिश करूँगा कि वीडियो इस बार ज़्यादा लेट ना हो, जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लाता रहूँ, नए ब्रांड का रिव्यू लाता रहूँ और आपके साथ ऐसे ही महफिल लगाता रहूँ। और दूसरा पैक ख़त्म करते हैं। जैसे कि दूसरा पैक भाइयों ख़त्म हो गया, तो आपको बता दूं कि सुरूर अभी तक इसका नॉर्मल सा ही है, सुरूर कुछ खास नहीं लगा भाइयों। सुरूर में भी इसको 5 में से 3.5 नंबर देंगे भाइयों। तो ओवरऑल इसको 5 में से 3.5 नंबर ही देंगे। हालांकि इसकी पैकिंग अच्छी है, बॉटलिंग भी अच्छी है और प्राइसिंग भी ठीक है, बट कलर नॉर्मल है, टेस्ट भी नॉर्मल है और अभी तक 2 पैक के बाद कोई इतना ख़ास इसमें कुछ लगा नहीं मेरे को। तो इसको ओवरऑल 5 में से 3.5 नंबर देंगे भाइयों। बाकी इसे पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता और पूरी तरह रिकमेंड भी नहीं किया जा सकता। अगर मेरे भाई कुछ नया पीना चाहते हैं कभी, तो उसे एक दो बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। तो ओवरऑल 5 में से 3.5 नंबर। और इसके साथ ही भाइयों वीडियो लंबी ना करते हुए यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक शब खैर, गुड नाइट, बाय बाय।